कार्यक्रमों की गतिविधियां हैं जो वर्ष भर चलने वाली हैं, उसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बनी है। 85 सदस्यीय इस समिति में तमाम क्षेत्रों से लोगों को शामिल किया गया है ताकि वर्ष भर ये प्रभावी कार्यक्रम चल सकें। मंत्रालय इस बात को मानता है कि नेताजी की मेघा, उनकी जो योग्यता थी, उनने गुलाम भारत के समय भी ICS की परीक्षा पास करके साबित कर दिया था कि उनकी बुद्धिमत्ता किस श्रेष्ठता के ऊपर अपने आप को रखती थी, और बाद में उसको तिलांजलि देकर देश की आज़ादी के लिए जो उन्होंने काम किया और लगातार हर क्षेत्रों में उन्होंने जो परिस्थितियों का सामना किया है, वो आने वाली पीढ़ी को इस बात का एहसास हो, इस बात का विश्वास जगे और विश्वास बढ़ाए, इस बात के लिए वर्ष भर जो गतिविधियाँ चलेंगी उसके लिए आगे एक योजना माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बनेगी। 23 तारीख को प्रमुख तौर पर 3 स्थानों पर कार्यक्रम है। एक कलकत्ता में है जहाँ पर स्वयं प्रधानमंत्री जी एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे जो कल से कलकत्ता के नेशनल लाइब्रेरी ग्राउंड में प्रारंभ हो गई है। 400 मीटर के कैनवास पर 200 कलाकार जो पटुआ आर्टिस्ट हैं, बंगाल के युवा आर्टिस्ट हैं, उनने अपनी पेंटिंग शुरू कर दी है जो 23 तारीख तक चलेगी। ये पूरी तरह से सुभाष जी की जीवनी पर आधारित होगी। दूसरा कार्यक्रम कटक में है, जन्मस्थान पर है, जहाँ स्वयं पेट्रोलियम मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तीसरा कार्यक्रम हरिपुरा में है जहाँ पर मंत्रालय ने एक प्रदर्शनी लगाई है। पहली बार जब कांग्रेस के अध्यक्ष नामित हुए थे नेताजी, वो स्थान हरिपुरा था, इसलिए सांकेतिक रूप से उस स्थान को हमने चुना है। जबलपुर का त्रिपुरी अधिवेशन नेताजी के जीवन का मोड़ था, जहाँ पर उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में अपने निर्वाचन को से जीता और बाद में त्यागपत्र देने के बाद उन्होंने अपनी दूसरा रास्ता तय किया। गोटेगांव के पास एक कस्बा है जहाँ पर पिछले 37 साल से 20 जनवरी से 23 जनवरी के एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता खेल की होती रही है, क्योंकि नेताजी का प्रभाव महाकौशल के हर कस्बे और गांव में है, क्योंकि और इस नाते उस कार्यक्रम को पर्यटन मंत्रालय ने इस बार प्रायोजित किया है। उनका वो 38वां वर्ष है। ये गतिविधियां 23 तारीख की हैं। अन्य जो कार्यक्रम हैं वो अन्य मंत्रालयों के हैं जिन्हें अभी प्रस्ताव भारत हमारे संस्कृति मंत्रालय को भेजे हैं, जिनका अंतिम फैसला उच्च स्तरीय समिति करेगी, लेकिन मोटे तौर पर मैं मानता हूं कि हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए। जैसे फुटबॉल टूर्नामेंट और मैराथन, ये खेल विभाग ने तय किया है कि वो वर्ष भर गतिविधियां नेताजी के नाम पर समर्पित करेंगे। पदयात्राएँ और साइकिल यात्राएँ, ये भी युवा कार्यक्रम विभाग ने तय की हैं कि वर्ष भर वो गतिविधियों को जारी रखेंगे। देखो अपना देश के तहत जो वेबिनार्स होंगे पर्यटन मंत्रालय के, वो पूरी तरह से नेताजी के लिए समर्पित होंगे। INA की धुन पर कदम बढ़ाए जा मीटिंग रिट्रीट में ये गीत शामिल होगा, रक्षा मंत्रालय ने ऐसा फैसला किया है। एयर इंडिया ने विमानों पर नेताजी के चित्र लगाने का फैसला किया है। नेताजी के नाम पर एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी रेल मंत्रालय ने तय की है। 5 भारतीय विश्वविद्यालयों में नेताजी से संबंधित 5 पीठों की स्थापना होगी, ये शिक्षा विभाग का फैसला है। नेताजी पर लघु फिल्म प्रतियोगिता, भारत के लिए नेताजी के सपनों को कैसे पूरा किया जाए, ये सूचना प्रसारण मंत्रालय ने पूरा एक एपिसोड बनाने का फैसला किया है। इस प्रकार से जो मुख्य कार्यक्रम है वो कार्यक्रम कलकत्ता में है, जहाँ पर विक्टोरिया हॉल में एक कार्यक्रम होगा जो स्थायी तौर पर प्रदर्शनी 2 वर्ष तक वहाँ पर चलेगी, उसका उद्घाटन भी माननीय प्रधानमंत्री करेंगे। INA के जो प्रमुख जीवित योद्धा हैं उनका वहाँ सम्मान भी होगा, और बंगाल की धरती पर जो INA के द्वारा दिए गए 3 और ऐसे नाम हैं जो अब स्वर्गवासी हो गए लेकिन उनके परिजनों का सम्मान प्रतीक के रूप में किया जाएगा।
मैं आपकी एक जानकारी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं कि 60,000 की आईएनए का जो फोर्स था उसमें से 26,000 लोगों की शहादत हुई थी। देश की आज़ादी से लेकर अब तक हमारे शहीदों की संख्या, शहीद सैनिकों की संख्या भी 25,000 और 26,000 के बीच में है, लेकिन एक वो ऐसी फौज थी जिसके 60,000 में से 26,000 लोगों ने बलिदान दिया था। इसलिए आईएनए के इन शहीदों के नाम पर भी एक स्मारक बनाने की सोच संस्कृति मंत्रालय की है और हम लोग ये मानते हैं कि स्थान के चयन के बाद हम इस बात का फैसला करेंगे। मैं आप सबसे यही आग्रह करूंगा कि मुख्य तौर पर जो तीन बिंदु हैं कि अब 23 जनवरी देश के भीतर और बाहर भारत सरकार के कैलेंडर में पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाएगी। 23 तारीख को पराक्रम दिवस के पहले कार्यक्रम में स्वयं प्रधानमंत्री कलकत्ता में होंगे, पेट्रोलियम मंत्री कटक में होंगे और सांसद सीआर पाटिल हरिपुरा में होंगे। मंत्रालय अपनी गतिविधियों को इसमें शामिल कर रहा है। इस संबंध में एक छोटा सा प्रेजेंटेशन भी है। मैंने कोशिश की थी कि जो गतिविधि शुरू है उसका एक अंदाज़ा आपको पड़े, वो हमारे इस प्रदर्शन में होगा। मेरी बात मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। यदि कोई चीज़ आपको पूछनी है तो जरूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद सर। अब मैं आमंत्रित करता हूँ मैडम निष्कुमा कोत्रु जी को प्रेजेंटेशन के लिए। फ्रेंड्स, आई जस्ट रिपीट, देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइज एक्चुअली, प्लीज कीप योर मोबाइल इन द साइलेंट मोड। इसमें प्रश्न जैसा वैसे कुछ है नहीं, प्रेजेंटेशन तो जब करा दीजिए। नमस्कार। नेक्स्ट, जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया, ये हमारी जो संस्कृति मंत्रालय है, कल्चर मिनिस्ट्री, ये कमेमोरेशन रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो है हमारे गवर्नमेंट की, उसके लिए नोडल मिनिस्ट्री है। तो इसलिए एक नेशनल इम्प्लीमेंटेशन कमिटी बनती है जिसमें माननीय गृह मंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं। इसकी पहली ही बैठक जो 25 नवंबर को हुई, उसमें यह तय किया गया था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती जो है उसे धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद माननीय संस्कृति मंत्री जी ने एक 15 दिसंबर को बैठक बुलाई, जिसको हम वाइड स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कह सकते हैं, जिसमें आईएनए से जुड़े हुए वेटरन्स, एक्सपर्ट्स, हिस्टोरियंस, इस तरह के बहुत लोग आए और काफ़ी खुल के चर्चा हुई। उनसे हमने सुझाव मांगे और मंत्री जी ने उस पर विचार किया और काफ़ी कुछ उसमें से हमने कार्यक्रम चुन लिए हैं और आगे भी हम, क्योंकि ये एक वर्ष की पूरी योजना चलेगी, तो हम उसको, उन सुझावों को लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसा सर ने बताया, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक हाई लेवल कमेटी भी बनी है, उसकी भी गैजेट नोटिफिकेशन हो चुकी है और आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो ये जो संस्कृति मंत्रालय का कार्यक्रम है पहला, जैसे हमारे मंत्री जी ने बताया, तो 23 जनवरी को कलकत्ता में उसका उद्घाटन समारोह है। पराक्रम दिवस की घोषणा तो आपने जैसे सुना वो हो चुकी है। इसमें नेताजी पर एक प्रदर्शनी लगेगी जिसमें 125 स्टोरीज हमने निकाली हैं। स्टोरीज इन द सेंस नेताजी से जुड़े हुए कुछ विचार वगैरह उस पर हम कर रहे हैं। एक प्रोजेक्शन मैपिंग शो बहुत ही भव्य, क्योंकि विक्टोरिया के फसाड बहुत ही ग्रैंड है, वहाँ पे पहली बार ऐसा शो नेताजी पे हम बना रहे हैं। इसी तरह 4 दिवसीय एक आर्टिस्ट कैंप हो रहा है नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता में, उसका वीडियो हम आपको कुछ देर में दिखाएंगे। एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है नेशनल लाइब्रेरी में, नेताजी के पत्रों पर एक पुस्तक का लोकार्पण भी माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। इसके अलावा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है जिसका नाम है आमरा नूतन जौबनेरी दूत, जो गुरुदेव टैगोर जी ने एक बात कही थी नेताजी के लिए, उसको थीम को लेके नेताजी के ही गीतों पे ये एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। उसके अलावा आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों का सम्मान किया जाएगा, वहाँ जितने जीवित सैनिक हैं उनके परिवार वाले वो वहाँ आ रहे हैं, और स्मारक डाक टिकट भी जारी होगा और स्मारक सिक्का भी। ये इसकी कुछ झलकियां हम आपको दिखा रहे हैं ये कार्यक्रम की, जैसा ये जी, ये तो कटक वगैरह का जो सर ने बताया था कार्यक्रम, कटक में भी हो रहा है और त्रिपुरी जबलपुर में भी एक प्रदर्शनी करने का विचार है, और हरिपुरा में भी हमारी एक प्रदर्शनी हो रही है जो नंदलाल बोस जी के हरिपुरा पैनल्स हैं उनकी एग्जीबिशन लग रही है। तो ये कुछ झलकियाँ हैं जहाँ पर कार्यक्रम होगा कलकत्ता में, ये प्रदर्शनी की एक झलकी है। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है जिसमें पापोन, उषा उत्थुप जी वगैरह इसमें आर्टिस्ट आएंगे। ये एक झलकी है उन बुक्स की जो नेताजी के पत्र हैं
उनको हमने एडिट करके एक किताब बनाई है। ये जो कुछ जीवित आईने वेटरन्स हैं उनकी तस्वीरें हैं, एंड वी आर फॉर्चुनेट कुछ उनमें से आ पा रहे हैं उनकी वृद्धावस्था के बावजूद, दे हैव एग्रीड टू कम, तो हम उनका वहाँ पे सम्मान करेंगे। ये प्रोजेक्शन मैपिंग शो की एक झलकी है। ये समापन गीत होगा शुभ सुख चैन, जो नेताजी और आईने से जुड़ा हुआ है उसी कार्यक्रम में। ये नेशनल लाइब्रेरी का एक, हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी कर रहे हैं और कलाकारों के लिए 4 दिवसीय कैंप भी लग रहा है। इसके कुछ ये सत्र हैं, उनका डिस्क्रिप्शन है, मैं उसमें आपका समय नहीं लेना चाहती हूँ। ये सारे उसमें वक्ता हैं, काफ़ी सारे जाने माने विशेषज्ञ हैं, इसमें एक्सपर्ट्स हैं। इसके अलावा जो अन्य गतिविधियाँ हैं संस्कृति मंत्रालय की, उसके बारे में थोड़ा समय बताऊँगी। जैसा हमने कहा कि ये सुझाव सब हमने, मंत्री जी ने स्टेक होल्डर्स से काफ़ी कंसल्टेशन करने के बाद ही ये सब हमने निकाले हैं। जैसे नेताजी एवं आज़ाद हिंद फौज से जुड़ी महत्वपूर्ण तारीखों पर और स्थानों पर समारोह का आयोजन किया जाएगा, ऐसा हमारा विचार है और कार्यक्रम की तैयारियां हम कर रहे हैं। जैसे 14 अप्रैल मोइरंग दिवस के रूप से फेमस है, 21 अक्टूबर आज़ाद हिंद फौज स्थापना दिवस है, इसी तरह 30 दिसंबर नेताजी ने पोर्ट ब्लेयर में ध्वजारोहण किया था। तो ये सब मुख्य तारीखों पे कुछ कुछ कार्यक्रम ज़रूर किए जाएंगे। नीलगंज में एक स्मारक बनाने की योजना भी है, जहाँ पे ब्रिटिश सेना के हाथों आज़ाद हिंद फौज के सेनानी शहीद हुए थे। और प्रोफेसर प्रतुल चंद्र गुप्त, जो विश्व भारती विश्वविद्यालय के पूर्व उपकुलपति थे, उनके द्वारा लिखित एक पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ INA, इसको डीक्लासिफिकेशन करके प्रकाशन करने का भी हमारे कार्यक्रम है। इसके अलावा अन्य गतिविधियों में कटक में एक स्मारक का निर्माण की योजना है, एक दिलीप कुमार राय जी की पुस्तक है द सुभाष आई नो, उसका पुनः प्रकाशन का भी प्रोग्राम हमने बनाया है। युवाओं के बीच नेताजी के विचारों को प्रचार करने के लिए सोशल मीडिया अभियान किया जाएगा। INA के मुकदमों पर डॉक्यूमेंट्री बनाने का विचार है और कर्नल ढिल्लों और जनरल शाहनवाज खां की जीवनियों का प्रकाशन करने का भी विचार कर रहे हैं हम। अन्य मंत्रालयों द्वारा जो हमारे पास प्रस्ताव आए हैं उसकी एक झलकी मैं आपको दिखाना चाहूँगी। पहला पर्यटन मंत्रालय का, सर ने जैसा बताया देखो हमारा देश के अंतर्गत वेबिनार होगा, और मणिपुर में नेताजी के जीवन और घटनाओं पर भी एक वेबिनार है। कटक में हेरिटेज वॉक किया जाएगा, वर्कशॉप और सम्मेलन जगह जगह पर हम प्लान कर रहे हैं, जैसे शिलांग, भुवनेश्वर वगैरह, अंडमान, इम्फाल। इसी तरह हर माह नेताजी के जीवन से जुड़े स्थानों पर एक हेरिटेज वॉक होगी, और डोमेस्टिक इंडिया टूरिज्म ऑफिस के द्वारा नेताजी के जीवन पर क्विज और वार्ताएं होंगी, और हर माह IHM के द्वारा वर्कशॉप और सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। पूरा ईयर राउंड प्रोग्राम है। इसी तरह जैसा सर ने अभी बताया, एक ऑल इंडिया प्रो कबड्डी टूर्नामेंट है जो काफ़ी सालों से हो रही है, इसका 38th एडिशन जो है वो इस साल होगा, और ये स्थानीय ग्राउंड गोटेगांव ज़िला नरसिंहपुर में हो रहा है। 20 जनवरी से 23 जनवरी तक इसका आयोजन होगा, पर्यटन मंत्रालय इसको स्पॉन्सर कर रहा है। इसके अलावा ये INB मिनिस्ट्री के कुछ कार्यक्रम हैं, जैसे ऑल इंडिया रेडियो पे इंस बनाने का विचार किया है, उनके रीजनल यूनिट्स और जो नेशनल सर्विस डिविजन्स हैं वो सारे ही काफ़ी सारे कार्यक्रम प्लान कर रहे हैं नेताजी के ऊपर। दूरदर्शन समाचार में भी काफ़ी प्रोग्राम होने के लिए प्रस्ताव आया है। DD न्यूज़ पे जो भी आर्काइवल फुटेज है उसके बेसिस पे नई डॉक्यूमेंट्रीज, कार्यक्रम, पैनल डिस्कशंस वगैरह किए जाएंगे। इसके अलावा जो NFDC है वो एक शॉर्ट फिल्म प्रतियोगिता भी आयोजन करेगी, जिसमें भारत के लिए नेताजी के सपनों को कैसा पूरा किया जाए इस पर शॉर्ट फिल्म बनेगी। शिक्षा मंत्रालय ने ये कहा है कि वे 5 भारतीय विश्वविद्यालयों में नेताजी पर 5 चेयर्स की स्थापना करेंगे, और UGC के द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन और युग पे MOOCs विकसित करेंगे। सभी विद्यार्थियों के लिए 6 महीने के क्रेडिट पर आधारित एम्बेडेड प्रोग्राम किया जाएगा, और रक्षा विज्ञान में शोध के लिए आवासीय स्कॉलर कार्यक्रम होगा। इसी तरह विश्वविद्यालय में आज़ाद हिंद फौज पर फिल्म मेकिंग की प्रतियोगिता की जाएंगी, ऑनलाइन निबंध लेखन प्रतियोगिता होंगे वगैरह, अन्य कई कार्यक्रम हैं। स्पोर्ट्स मंत्रालय ने भी काफ़ी प्रोग्राम बनाए हैं, जैसे फरवरी के अंतिम सप्ताह में साइक्लोथॉन किए जाएंगे, फुटबॉल टूर्नामेंट होंगे, और खेलो इंडिया परियोजना में वो कोशिश कर रहे हैं कि काफ़ी सारी सुविधाएं उपलब्ध किए जाएं इस दौरान, क्योंकि नेताजी एक यूथ आइकॉन माने जाते हैं, तो यूथ के लिए स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री काफ़ी कुछ प्लान कर रहा है। इसी तरह जो यूथ अफेयर्स विभाग है वो चाहते हैं साइक्लोथॉन, ज्ञान प्रतियोगिताएं,
पदयात्राएं, रैली, इस तरह यूथ को जोड़ने के लिए कि वो सब पेट्रियाटिक फर्वर से आगे बढ़ें और देश के लिए कुछ कर गुजरने की भावना उनमें जागे, इसलिए काफ़ी सारे प्रोग्राम्स यूथ अफेयर्स ने प्लान किए, एडवेंचर प्रोग्राम, रक्तदान प्रोग्राम, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं इस तरह के। रक्षा मंत्रालय की बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में आज़ाद हिंद फौज की धुन कदम कदम बढ़ाए जा को शामिल किया है, और नेशनल लाइब्रेरी में जहाँ हमारा कार्यक्रम चल रहा है वहाँ आर्मी बैंड का भी प्रदर्शन होगा आईएनए की धुनों पे, और आज़ाद हिंद फौज द्वारा जापानी सेना के हथियारों की पहचान का कार्य कर रही है रक्षा मंत्रालय, ताकि उन्हें हमारे सुभाष बोस म्यूजियम में लाया जा सके। और डिफेंस मिनिस्ट्री से जुड़ी एक और चीज़ थी, सर ने शायद बताई थी, हमारी जो झांकी है संस्कृति मंत्रालय की, उसमें भी थीम, एक मेन थीम नेताजी पे ही है इस बार संस्कृति मंत्रालय का, और एक स्मृति डाक टिकट जारी होगा जैसा मैंने आपको शुरू में बताया। एक नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भी कहा है कि वो एयर इंडिया के कुछ विमानों पर नेताजी के चित्र बनाएंगे। माई गव ने क्विज का आयोजन किया है और एक लोगो कॉन्टेस्ट भी हो रहा है नेताजी 125 लोगों के लिए, और आर्थिक कार्य मंत्रालय ने नेताजी पे स्मृति सिक्के जारी करने का भी प्रोग्राम बनाया है। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज, एक शॉर्ट वीडियो है आपको दिखाएंगे सर, जो वो पेंटिंग के लिए, जी जी, जो हमारे नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता में पेंटिंग कैंप चल रहा है जो 23 को समापन उसका है, देख लें। Friends, now we can take your questions. Please use your placard number. There are the number plates. Please use the placard. 60. Mantri ji, my question is, it is a tourism related. एक मुझे ये बताइए, भारत सरकार का क्या प्लान है, वित्त मंत्रालय के क्या मतलब प्लान है टूरिज्म सेक्टर को रिवाइव करने का, क्योंकि पीछे जो लॉकडाउन हुए हैं उसके जस्ट कैन आई इंटरवीन, प्लीज फोकस ऑन टुडेज ब्रीफिंग, टूरिज्म सेक्टर के ऊपर अलग से नहीं है ये, इस पर्टिकुलर ब्रीफिंग के बारे में क्वेश्चन फोकस करिए अपना। नहीं, इफ यू, इट इज रिलेटेड मैटर है, क्योंकि इट इज नेताजी, लेट अस फिनिश ऑफ द टॉपिक एंड देन, या 32 मंत्री जी, मेरा सवाल है कि जो कमेटी बनी है पूरे आयोजन के लिए, जैन पूरे साल भर आयोजन चलेंगे, तो कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनका किस तरह से कार्यक्रम अलग अलग रखे जाएंगे देश भर में, या किस तरह से कमेटी का योगदान होगा पूरे साल भर? मैंने पहले ही कहा था कि प्रधानमंत्री जी के अध्यक्षता में ये कमेटी है, वर्ष भर के कार्यक्रमों की रचना होनी है, क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी गई थी कि 23 तारीख को हमें पराक्रम दिवस के रूप में अनाउंस पहले करना है, तो उसका पहला कार्यक्रम होगा। बाकी गतिविधियां जो मंत्रालय ने हमको पहुंचाई हैं, जिनको हमने मान लिया कि ये होना ही है, उन्हें निर्णय कर लिया, लेकिन बाकी जो जिन तारीखों का उल्लेख निरुपमा जी ने किया है, उसमें मोरंग दिवस है, आईएनए का स्थापना का दिवस है, आज़ाद हिंद सरकार का दिन है, त्रिपुरी कांग्रेस का जो अधिवेशन का दिन है, ये ऐसे दिवस है जिस दिन गतिविधियाँ बननी है उस पर कार्यक्रम के लिए एक बार जो उच्च अधिकार समिति है प्रधानमंत्री जी के, उसके बाद बाकी कार्यक्रम बढ़ेंगे, इसलिए मैं 23 तारीख तक ही सीमित रहा हूँ,
उसके आगे के जो कार्यक्रम होंगे वो समिति ही तय करेगी। 262 वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का ये मांग है कि 23 जनवरी को देशप्रेम दिवस घोषणा किया जाए और इस दिन को नेशनल हॉलीडे माना जाए, तो मिनिस्ट्री का क्या मानना है इसमें? नहीं, मुझे लगता है कि अभी तो निर्णय पराक्रम दिवस का हुआ है, वो आयोजन के रूप में मनाया जाएगा या छुट्टी होगी ये समिति के बैठक के बाद ही कोई फैसला होगा। प्रस्ताव बहुत सारे लोगों के आए हैं, पर नाम पर भी बहुत सारे लोगों के प्रस्ताव होंगे, लेकिन जो उच्च अधिकार समिति ने नाम तय किया है वो पराक्रम दिवस है। गतिविधियां अभी तक तय हैं, आगे जो समिति तय करेगी उसके बाद हम आपको बताएंगे। 175 सर, आई हैव मंत्री जी, मेरा भी सिमिलरी सवाल था कि देश प्रेम दिवस की मांग हो रही है, ममता दीदी ने भी यही बात बोली है, और जो फॉरवर्ड ब्लॉक जो सुभाष जी ने फॉर्म किया था उन वहाँ के भी लोगों ने ये डिमांड की है कि हम इसको हर साल देश प्रेम दिवस के तौर पे मनाते आ रहे हैं, तो क्या आगे चल के कोई फेरबदल नाम में किया जा सकता है सरकार की ओर से? सरकार का फैसला पराक्रम दिवस का है। 267 प्लीज यूज माइक। सर, जिस तरह से अभी से शुरू हो गया पराक्रम को देश प्रेम किया जाए, बंगाल चुनाव भी है, क्या आपको लगता है कि जो 125वां जयंती होगा कहीं राजनीति की भेंट ना चढ़ जाए, क्योंकि उसी दिन जिस दिन प्रधानमंत्री जाने की बात है उस दिन ममता बनर्जी पदयात्रा निकालने वाली है, क्या ममता भी उस दिन शामिल होंगी प्रधानमंत्री के साथ, क्योंकि देश भर का ये सरकारी कार्यक्रम है? नहीं, मुझे लगता है कि जो परंपरा है हमारी, संस्कृति मंत्रालय ने विधिवत तौर पर मुख्यमंत्री जी को आमंत्रण दिया है, जहाँ भी प्रधानमंत्री जी का प्रवास होता है तो संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया जाता है, वो आमंत्रण को गया है, तो मुझे लगता है कि उसमें कोई अटकलबाजियों का कारण मुझे नहीं लगता। चुनाव अपनी जगह पर होंगे, लेकिन नेताजी की जयंती को मनाया जाना, मैं विवेकानंद जी की जयंती के दिन भी कलकत्ता में था, तो मैं मानता हूँ कि हम गरिमा और सम्मान के साथ नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाएंगे, और प्रधानमंत्री जी उस समय मौजूद है ये हमारे लिए गर्व की बात है। 52 सर, नेताजी का जन्म कटक उड़ीसा में हुआ है और आप जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे, तो इसमें क्या लॉजिक है कि सर कार्यक्रम कलकत्ता में आयोजित हो रहा है, क्यों नहीं उनके जन्म स्थान पर मेन कार्यक्रम आयोजित हो रहा? ऐसा तो नहीं कोई राजनीतिक फायदा उठाने के लिए सरकार इस तरह का कार्य कर रही है कि चुनाव आने वाले? कटक में बेहतर स्मारक बनाने की तैयारी है और उसके कार्यक्रम के बाद ही हम उसको और विस्तृत रूप देने वाले हैं। स्वाभाविक है कि उनका जन्म स्थान कटक है, इस बात को कोई इनकार नहीं करता, इसलिए मैंने उन तमाम स्थानों के नाम भी लिए हैं, चाहे मोरंग हो, चाहे वो जबलपुर का त्रिपुरी कांग्रेस हो या हरिपुरा हो, इन घटनाओं को इस दृष्टि से देखने की बजाय हाँ, कटक में एक भव्य स्मारक बनना चाहिए, जिस बात की तैयारी सरकार ने की है, जो मैंने अपनी बात में कही भी है। 37 सर, अनिरुद्ध हूँ मैं दैनिक भास्कर से। सर, आप जो स्मारक की बात कर रहे हैं वो अभी इन्होंने प्रेजेंटेशन में बोला नीलगंज, और आप अभी कह रहे हैं कि कटक में उसकी तैयारी चल रही है, मतलब दोनों है? अच्छा, दोनों जगह दोनों। नीलगंज वो जगह है जहाँ सबसे बड़ा नरसंहार हुआ है, जहाँ आज फैक्ट्री है वो सबसे बड़ा नरसंहार है जिसकी चर्चा नहीं होती है, उससे बड़ा नरसंहार कहते हैं कि उस पूरे दौर में कभी हुआ नहीं है, वहाँ उस स्मारक की बात है, लेकिन जन्म स्थान पर जो होना है उनके जन्म स्थान का स्मारक वो कटक में ही है। एक चीज और, जो 23 वाला प्रोग्राम है उसमें आप भी वहाँ रहेंगे, आपने अपना नाम लिया ही नहीं दरअसल, इसलिए पूछना पड़ा। मैं होस्ट हूँ तो स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो सबके लिए अगवानी के लिए मैं खड़ा हूँ, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, प्रधानमंत्री जी तो जा ही रहे हैं, तो हम तो चूंकि नोडल मिनिस्ट्री है इसलिए मैं वहाँ सबके स्वागत के लिए रहूँगा। 109 सर, सांसद अभिषेक बैनर्जी ने एक बात बोले थे, जैसे वल्लभ भाई पटेल जी का स्मारक बनाया है, ऐसा बंगाल में भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक स्मारक बनाने के लिए मांग किया था जी, बंगाल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक स्मारक बनाने का मांग किया था, एक स्टैचू जैसे वल्लभ भाई पटेल जी का बनाया है ऐसा ही। अभी तो वैसे हम एक 18 फुट की मूर्ति जो तुषार जी ने बनाई है उसको तो हम लगा ही रहे हैं, लेकिन वो लगेगा नेशनल लाइब्रेरी में, तो ये 23 तारीख को ही उसका लगने का तय है। लास्ट क्वेश्चन 31
मंत्री जी, इससे पहले भी लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज करते चली आ रही है 2014 से, और पराक्रम दिवस मनाने की बात आप इस साल कर रहे हैं जब इलेक्शन सर पे है बंगाल में, तो ऐसे में ऐसा तो नहीं है कि यहाँ देखे जरा किसमें कितना है दम दिखाने वाली बात हो रही है वहाँ पर, और खुद ममता बनर्जी भी अब इस तरीके का आयोजन कर रही हैं? जब शताब्दी वर्ष हुआ था तब हम सरकार में नहीं थे, मैं तो ही कहूँगा। और जहाँ तक 125वीं जयंती का वर्ष है, महर्षि अरविंद के भी 250 वर्ष हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू। देन वी विल टेक सम क्वेश्चंस। ए जेंटल रिमाइंडर टू ऑल ऑफ यू, काइंडली कीप योर मोबाइल्स ऑन साइलेंट मोड। ओवर टू यू सर। पहली बार आज पीआईबी के इस स्थान से मैं दिल्ली के प्रेस से बात कर रहा हूँ। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र जी बोस की 125वीं जयंती वर्ष पर भारत सरकार के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक उच्च स्तरीय समिति के निर्णय के बाद 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है, जिसका नोटिफिकेशन आप सबके पास में पहुंच भी गया होगा। देश के भीतर और देश के बाहर भारत सरकार के कैलेंडर में अब 23 जनवरी पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाएगी। इस दृष्टि से 23 तारीख को माननीय Then we will take some questions. A gentle reminder to all of you, kindly keep your mobiles on silent mode. Over to you, sir. पहली बार आज पीआईबी के इस स्थान से मैं दिल्ली के प्रेस से बात कर रहा हूँ। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र जी बोस की 125वीं जयंती वर्ष पर भारत सरकार के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक उच्च स्तरीय समिति के निर्णय के बाद 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है, जिसका नोटिफिकेशन आप सबके पास में पहुंच भी गया होगा। देश के भीतर और देश के बाहर भारत सरकार के कैलेंडर में अब 23 जनवरी पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाएगी। इस दृष्टि से 23 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री कलकत्ता में इस 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के आयोजन में शामिल होंगे। 23 तारीख को जो कार्यक्रमों की गतिविधियां हैं, जो वर्ष भर चलने वाली हैं, उसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बनी है। 85 सदस्यीय इस समिति में तमाम क्षेत्रों से लोगों को शामिल किया गया है, ताकि वर्ष भर ये प्रभावी कार्यक्रम चल सके। मंत्रालय इस बात को मानता है कि नेताजी की मेघा, उनकी जो योग्यता थी, उनने गुलाम भारत के समय भी ICS की परीक्षा पास करके साबित कर दिया था कि उनकी बुद्धिमत्ता किस श्रेष्ठता के ऊपर अपने आप को रखती थी, और बाद में उसको तिलांजलि देकर देश की आज़ादी के लिए जो उन्होंने काम किया, और लगातार हर क्षेत्रों में उन्होंने जो परिस्थितियों का सामना किया है, वो आने वाली पीढ़ी को इस बात का एहसास हो, इस बात का विश्वास जगे और विश्वास बढ़ाए, इस बात के लिए वर्ष भर जो गतिविधियां चलेंगी उसके लिए आगे एक योजना माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बनेगी। 23 तारीख को प्रमुख तौर पर 3 स्थानों पर कार्यक्रम है। एक कलकत्ता में है, जहाँ पर स्वयं प्रधानमंत्री जी
एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे जो कल से कलकत्ता के नेशनल लाइब्रेरी ग्राउंड में प्रारंभ हो गई है। 400 मीटर के कैनवास पर 200 कलाकार जो पटुआ आर्टिस्ट है, बंगाल के युवा आर्टिस्ट है, उन्होंने अपनी पेंटिंग शुरू कर दी है जो 23 तारीख तक चलेगी। ये पूरी तरह से सुभाष जी की जीवनी पर आधारित होगी। दूसरा कार्यक्रम कटक में है, जन्मस्थान पर है, जहाँ स्वयं पेट्रोलियम मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तीसरा कार्यक्रम हरिपुरा में है, जहाँ पर मंत्रालय ने एक प्रदर्शनी लगाई है। पहली बार जब कांग्रेस के अध्यक्ष नामित हुए थे नेताजी, वो स्थान हरिपुरा था, इसलिए सांकेतिक रूप से उस स्थान को हमने चुना है। जबलपुर का त्रिपुरी अधिवेशन नेताजी के जीवन का मोड़ था, जहाँ पर उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में अपने निर्वाचन को से जीता और बाद में त्यागपत्र देने के बाद उन्होंने अपनी दूसरा रास्ता तय किया। गोटेगांव के पास एक कस्बा है जहाँ पर पिछले 37 साल से 20 जनवरी से 23 जनवरी के बीच राष्ट्रीय प्रतियोगिता खेल की होती रही है, क्योंकि नेताजी का प्रभाव महाकौशल के हर कस्बे और गांव में है। क्योंकि और इस नाते उस कार्यक्रम को पर्यटन मंत्रालय ने इस बार प्रायोजित किया है, उनका वो 38वां वर्ष है। ये गतिविधियां 23 तारीख की हैं। अन्य जो कार्यक्रम हैं वो अन्य मंत्रालयों के हैं, जिन्हें अभी प्रस्ताव हमारे संस्कृति मंत्रालय को भेजे हैं, जिनका अंतिम फैसला उच्च स्तरीय समिति करेगी। लेकिन मोटे तौर पर मैं मानता हूं कि हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए। जैसे फुटबॉल टूर्नामेंट और मैराथन, ये खेल विभाग ने तय किया है कि वो वर्ष भर गतिविधियाँ नेताजी के नाम पर समर्पित करेंगे। पदयात्राएँ और साइकिल यात्राएँ, ये भी युवा कार्यक्रम विभाग ने तय की हैं कि वर्ष भर वो गतिविधियों को जारी रखेंगे। देखो अपना देश के तहत जो वेबिनार्स होंगे पर्यटन मंत्रालय के, वो पूरी तरह से नेताजी के लिए समर्पित होंगे। INA की धुन पर कदम बढ़ाया जा मीटिंग रिट्रीट में ये गीत शामिल होगा, रक्षा मंत्रालय ने ऐसा फैसला किया है। एयर इंडिया ने विमानों पर नेताजी के चित्र लगाने का फैसला किया है। नेताजी के नाम पर एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी रेल मंत्रालय ने तय की है। 5 भारतीय विश्वविद्यालयों में नेताजी से संबंधित 5 पीठों की स्थापना होगी, ये शिक्षा विभाग का फैसला है। नेताजी पर लघु फिल्म प्रतियोगिता, भारत के लिए नेताजी के सपनों को कैसे पूरा किया जाए, ये सूचना प्रसारण मंत्रालय ने पूरा एक एपिसोड बनाने का फैसला किया है। इस प्रकार से जो मुख्य कार्यक्रम है वो कार्यक्रम कलकत्ता में है, जहाँ पर विक्टोरिया हॉल में एक कार्यक्रम होगा जो स्थायी तौर पर प्रदर्शनी 2 वर्ष तक वहाँ पर चलेगी, उसका उद्घाटन भी माननीय प्रधानमंत्री कहेंगे। INA के जो प्रमुख जीवित योद्धा हैं उनका वहाँ सम्मान भी होगा, और बंगाल की धरती पर जो INA के द्वारा दिए गए 3 और ऐसे नाम हैं जो अब स्वर्गवासी हो गए हैं, लेकिन उनके परिजनों का सम्मान प्रतीक के रूप में किया जाएगा। मैं आपकी एक जानकारी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ कि 60,000 की INA का जो फोर्स था उसमें से 26,000 लोगों की शहादत हुई थी। देश की आज़ादी से लेकर अब तक हमारे शहीदों की संख्या, शहीद सैनिकों की संख्या भी 25,000 और 26,000 के बीच में है, लेकिन एक वो ऐसी फौज थी जिसके 60,000 में से 26,000 लोगों ने बलिदान दिया था। इसलिए INA के इन शहीदों के नाम पर भी एक स्मारक बनाने की सोच संस्कृति मंत्रालय की है, और हम लोग ये मानते हैं कि स्थान के चयन के बाद हम इस बात का फैसला करेंगे। मैं आप सबसे यही आग्रह करूंगा कि मुख्य तौर पर जो 3 बिंदु हैं कि अब 23 जनवरी देश के भीतर और बाहर भारत सरकार के कैलेंडर में पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाएगी। 23 तारीख को पराक्रम दिवस के पहले कार्यक्रम में स्वयं प्रधानमंत्री कलकत्ता में होंगे, पेट्रोलियम मंत्री कटक में होंगे और सांसद CR पाटिल हरिपुरा में होंगे। मंत्रालय अपनी गतिविधियों को इसमें शामिल कर रहा है। इस संबंध में एक छोटा सा प्रेजेंटेशन भी है। मैंने कोशिश की थी कि जो गतिविधि शुरू है उसका एक अंदाज़ा आपको पड़े, वो हमारे इस
प्रदर्शन में होगा। मेरी बात मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ, यदि कोई चीज़ आपको पूछनी है तो जरूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद सर। अब मैं आमंत्रित करता हूँ मैडम निष्कुमा कोत्रु जी को प्रेजेंटेशन के लिए। फ्रेंड्स, आई जस्ट रिपीट, देयर इज लॉट ऑफ नॉइज एक्चुअली, प्लीज कीप योर मोबाइल इन द साइलेंट मोड। वैसे कुछ है नहीं, प्रेजेंटेशन को जब करा दीजिए। नमस्कार। नेक्स्ट, जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया, ये हमारी जो संस्कृति मंत्रालय है, कल्चर मिनिस्ट्री, ये कमेमोरेशन रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो है हमारे गवर्नमेंट की, उसके लिए नोडल मिनिस्ट्री है। तो इसलिए एक नेशनल इम्प्लीमेंटेशन कमिटी बनती है, जिसमें माननीय गृह मंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं। इसकी पहली बैठक जो 25 नवंबर को हुई, उसमें यह तय किया गया था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती जो है, उसे धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद माननीय संस्कृति मंत्री जी ने एक 15 दिसंबर को बैठक बुलाई, जिसको हम वाइड स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कह सकते हैं, जिसमें INA से जुड़े हुए वेटरन्स, एक्सपर्ट्स, हिस्टोरियंस, इस तरह के बहुत लोग आए और काफ़ी खुल के चर्चा हुई। उनसे हमने सुझाव मांगे और मंत्री जी ने उस पर विचार किया और काफ़ी कुछ उसमें से हमने कार्यक्रम चुन लिए हैं, और आगे भी हम, क्योंकि ये एक वर्ष की पूरी योजना चलेगी, तो हम उसको, उन सुझावों को लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसा सर ने बताया, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक हाई लेवल कमेटी भी बनी है, उसकी भी गैजेट नोटिफिकेशन हो चुकी है। तो ये जो संस्कृति मंत्रालय का कार्यक्रम है पहला, जैसे हमारे मंत्री जी ने बताया, तो 23 जनवरी को कलकत्ता में उसका उद्घाटन समारोह है। पराक्रम दिवस की घोषणा तो आपने जैसे सुना वो हो चुकी है। इसमें नेताजी पर एक प्रदर्शनी लगेगी, जिसमें 125 स्टोरीज हमने निकाली हैं, स्टोरीज इन द सेंस नेताजी से जुड़े हुए कुछ विचार वगैरह उस पर हम कर रहे हैं। एक प्रोजेक्शन मैपिंग शो बहुत ही भव्य, क्योंकि विक्टोरिया का फसाड बहुत ही ग्रैंड है, वहाँ पे पहली बार ऐसा शो नेताजी पे हम बना रहे हैं। इसी तरह 4 दिवसीय एक आर्टिस्ट कैंप हो रहा है नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता में, उसका वीडियो हम आपको कुछ देर में दिखाएंगे। एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है नेशनल लाइब्रेरी में, नेताजी के पत्रों पर एक पुस्तक का लोकार्पण भी माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। इसके अलावा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जिसका नाम है आमरा नूतन जौबनेरी दूत, जो गुरुदेव टैगोर जी ने एक बात कही थी नेताजी के लिए, उसको थीम को लेके नेताजी के ही गीतों पे ये एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। उसके अलावा आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों का सम्मान किया जाएगा, वहाँ जितने जीवित सैनिक हैं उनके परिवार वाले वो वहाँ आ रहे हैं, और स्मारक डाक टिकट भी जारी होगा और स्मारक सिक्का भी। ये इसकी कुछ झलकियां हम आपको दिखा रहे हैं ये कार्यक्रम की, जैसा ये जी, ये तो कटक वगैरह का जो सर ने बताया था कार्यक्रम, कटक में भी हो रहा है और त्रिपुरी जबलपुर में भी एक प्रदर्शनी करने का विचार है, और हरिपुरा में भी हमारी एक प्रदर्शनी हो रही है, जो नंदलाल बोस जी के हरिपुरा पैनल्स हैं उनकी एग्जिबिशन लग रही है। तो ये कुछ झलकियाँ हैं जहाँ पर कार्यक्रम होगा कलकत्ता में, ये प्रदर्शनी की एक झलकी है। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है जिसमें पापोन, उषा उत्थुप जी वगैरह इसमें आर्टिस्ट आएंगे। ये एक झलकी है उस बुक्स की, जो नेताजी के पत्र हैं उनको हमने एडिट करके एक किताब बनाई है। ये जो कुछ जीवित INA वेटरन्स हैं उनकी तस्वीरें हैं, एंड वी आर फॉर्चुनेट कुछ उनमें से आ पा रहे हैं, उनकी वृद्धावस्था के बावजूद दे हैव एग्रीड टू कम, तो हम उनका वहाँ पर सम्मान करेंगे। ये प्रोजेक्शन मैपिंग शो की एक झलकी है। ये समापन गीत होगा शुभ सुख चैन, जो नेताजी और INA से जुड़ा हुआ है उसी कार्यक्रम में। ये नेशनल लाइब्रेरी का एक, हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी कर रहे हैं और कलाकारों के लिए 4 दिवसीय कैंप भी लग रहा है। इसके कुछ ये सत्र हैं, उनका डिस्क्रिप्शन है, मैं उसमें आपका समय नहीं लेना चाहती हूँ। ये सारे उसमें वक्ता हैं, काफ़ी सारे जाने माने विशेषज्ञ हैं इसमें, एक्सपर्ट्स हैं। इसके अलावा जो अन्य गतिविधियां हैं संस्कृति मंत्रालय की, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगी। जैसा हमने कहा कि ये सुझाव सब हमने, मंत्री जी ने स्टेक होल्डर्स से काफ़ी कंसल्टेशन करने के बाद ही ये सब हमने निकाले हैं। जैसे नेताजी एवं आज़ाद हिंद फौज से जुड़ी महत्वपूर्ण तारीखों पर और स्थानों पर समारोह का आयोजन किया जाएगा, ऐसा हमारा विचार है और कार्यक्रम की तैयारियाँ हम कर रहे हैं। जैसे 14 अप्रैल मोइरंग दिवस के रूप से फेमस है, 21 अक्टूबर आज़ाद हिंद फौज स्थापना दिवस है, इसी तरह 30 दिसंबर नेताजी ने
पोर्ट ब्लेयर में ध्वजारोहण किया था। तो ये सब मुख्य तारीखों पे कुछ कुछ कार्यक्रम ज़रूर किए जाएंगे। नीलगंज में एक स्मारक बनाने की योजना भी है, जहाँ पे ब्रिटिश सेना के हाथों आज़ाद हिंद फौज के सेनानी शहीद हुए थे। और प्रोफेसर प्रतुल चंद्र गुप्त, जो विश्व भारती विश्वविद्यालय के पूर्व उपकुलपति थे, उनके द्वारा लिखित एक पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ INA, इसको डीक्लासिफिकेशन करके प्रकाशन करने का भी हमारे कार्यक्रम है। इसके अलावा अन्य गतिविधियों में कटक में एक स्मारक का निर्माण की योजना है, एक दिलीप कुमार राय जी की पुस्तक है द सुभाष आई नो, उसका पुनः प्रकाशन का भी प्रोग्राम हमने बनाया है। युवाओं के बीच नेताजी के विचारों को प्रचार करने के लिए सोशल मीडिया अभियान किया जाएगा। INA के मुकदमों पर डॉक्यूमेंट्री बनाने का विचार है और कर्नल ढिल्लों और जनरल शाहनवाज खां की जीवनियों का प्रकाशन करने का भी विचार कर रहे हैं हम। अन्य मंत्रालयों द्वारा जो हमारे पास प्रस्ताव आए हैं उसकी एक झलकी मैं आपको दिखाना चाहूँगी। पहला पर्यटन मंत्रालय का, सर ने जैसा बताया देखो हमारा देश के अंतर्गत वेबिनार होगा, और मणिपुर में नेताजी के जीवन और घटनाओं पर भी एक वेबिनार है। कटक में हेरिटेज वॉक किया जाएगा, वर्कशॉप और सम्मेलन जगह जगह पर हम प्लान कर रहे हैं, जैसे शिलांग, भुवनेश्वर वगैरह, अंडमान, इम्फाल। इसी तरह हर माह नेताजी के जीवन से जुड़े स्थानों पर एक हेरिटेज वॉक होगी, और डोमेस्टिक इंडिया टूरिज्म ऑफिस के द्वारा नेताजी के जीवन पर क्विज और वार्ताएं होंगी, और हर माह IHM के द्वारा वर्कशॉप और सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। पूरा ईयर राउंड प्रोग्राम है। इसी तरह जैसा सर ने भी बताया, एक ऑल इंडिया प्रो कबड्डी टूर्नामेंट है जो काफ़ी सालों से हो रही है, इसका 38th एडिशन जो है वो इस साल होगा, और ये स्थानीय ग्राउंड गोटेगांव ज़िला नरसिंहपुर में हो रहा है। 20 जनवरी से 23 जनवरी तक इसका आयोजन होगा, पर्यटन मंत्रालय इसको स्पॉन्सर कर रहा है। इसके अलावा ये INB मिनिस्ट्री के कुछ कार्यक्रम हैं, जैसे ऑल इंडिया रेडियो पे इंस बनाने का विचार किया है, उनके रीजनल यूनिट्स और जो नेशनल सर्विस डिविजन्स हैं वो सारे ही काफ़ी सारे कार्यक्रम प्लान कर रहे हैं नेताजी के ऊपर। दूरदर्शन समाचार में भी काफ़ी प्रोग्राम होने के लिए प्रस्ताव आया है। DD न्यूज़ पे जो भी आर्काइवल फुटेज है उसके बेसिस पे नई डॉक्यूमेंट्रीज, कार्यक्रम, पैनल डिस्कशंस वगैरह किए जाएंगे। इसके अलावा जो NFDC है वो एक शॉर्ट फिल्म प्रतियोगिता भी आयोजन करेगी, जिसमें भारत के लिए नेताजी के सपनों को कैसा पूरा किया जाए इस पर शॉर्ट फिल्म बनेगी। शिक्षा मंत्रालय ने ये कहा है कि वे 5 भारतीय विश्वविद्यालयों में नेताजी पर 5 चेयर्स की स्थापना करेंगे, और UGC के द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन और युग पे MOOCs विकसित करेंगे। सभी विद्यार्थियों के लिए 6 महीने के क्रेडिट पर आधारित एम्बेडेड प्रोग्राम किया जाएगा, और रक्षा विज्ञान में शोध के लिए आवासीय स्कॉलर कार्यक्रम होगा। इसी तरह विश्वविद्यालय में आज़ाद हिंद फौज पर फिल्म मेकिंग की प्रतियोगिता की जाएंगी, ऑनलाइन निबंध लेखन प्रतियोगिता होंगे वगैरह, अन्य कई कार्यक्रम हैं। स्पोर्ट्स मंत्रालय ने भी काफ़ी प्रोग्राम बनाए हैं, जैसे फरवरी के अंतिम सप्ताह में साइक्लोथॉन किए जाएंगे, फुटबॉल टूर्नामेंट होंगे, और खेलो इंडिया परियोजना में वो कोशिश कर रहे हैं कि काफ़ी सारी सुविधाएं उपलब्ध किए जाएं इस दौरान, क्योंकि नेताजी एक यूथ आइकॉन माने जाते हैं, तो यूथ के लिए स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री काफ़ी कुछ प्लान कर रहा है। इसी तरह जो यूथ अफेयर्स विभाग है वो चाहते हैं साइक्लोथॉन, ज्ञान प्रतियोगिताएं, पद यात्राएँ, रैली, इस तरह यूथ को जोड़ने के लिए कि वो सब पेट्रियाटिक फर्वर से आगे बढ़ें और देश के लिए कुछ कर गुजरने की भावना उनमें जागे, इसलिए काफ़ी सारे प्रोग्राम्स यूथ अफेयर्स ने प्लान किया, एडवेंचर प्रोग्राम, रक्तदान प्रोग्राम, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं इस तरह के। रक्षा मंत्रालय की बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में आज़ाद हिंद फौज की धुन कदम कदम बढ़ाए जा कुछ शामिल किया है, और नेशनल लाइब्रेरी में जहाँ हमारा कार्यक्रम चल रहा है वहाँ आर्मी बैंड का भी प्रदर्शन होगा INA की धुनों पर, और आज़ाद हिंद फौज द्वारा जापानी सेना के हथियारों की पहचान का कार्य कर रही है रक्षा मंत्रालय, ताकि उन्हें हमारे सुभाष बोस म्यूजियम में लाया जा सके। और डिफेंस मिनिस्ट्री से जुड़ी एक और चीज़ थी, सर ने शायद बताई थी, हमारी जो झांकी है संस्कृति मंत्रालय की, उसमें भी थीम, एक मेन थीम नेताजी पे ही है इस बार संस्कृति मंत्रालय का, और एक स्मृति डाक टिकट जारी होगा जैसा मैंने आपको शुरू में बताया। एक नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भी कहा है कि वो एयर इंडिया के कुछ विमानों पे नेताजी के चित्र बनाएंगे। MyGov ने क्विज का आयोजन किया है, और एक लोगो कॉन्टेस्ट भी हो रहा है नेताजी के 125 लोगों के लिए, 30 सिक्के जारी करने का भी प्रोग्राम बनाया है।
कैन वी हैव द वीडियो प्लीज, एक शॉर्ट वीडियो है आपको दिखाएंगे सर, जो वो पेंटिंग कर दी जी जी, जो हमारे नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता में पेंटिंग कैंप चल रहा है जो 23 को समापन उसका है, देख लें। Now we can take your questions. Please use your placard number. There are the number plates. Please use the placard. 60. Mantri ji, my question is, it is a tourism related. एक मुझे ये बताइए, भारत सरकार का क्या प्लान है, वित्त मंत्रालय के क्या मतलब प्लान है टूरिज्म सेक्टर को रिवाइव करने का, क्योंकि पीछे जो लॉकडाउन हुए हैं उसके जस्ट कैन आई इंटरवीन प्लीज फोकस ऑन टुडेज ब्रीफिंग, टूरिज्म सेक्टर के ऊपर अलग से नहीं है ये, इस पर्टिकुलर ब्रीफिंग के बारे में क्वेश्चन फोकस करिए अपना। नहीं, इफ यू इट इज रिलेटेड मैटर है क्योंकि इट इज नेताजी, लेट अस फिनिश ऑफ द टॉपिक एंड देन या 32। मंत्री जी, मेरा सवाल है कि जो कमेटी बनी है पूरे आयोजन के लिए, जैन पूरे साल भर आयोजन चलेंगे, तो कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनका किस तरह से कार्यक्रम अलग अलग रखे जाएंगे देश भर में, या किस तरह से कमेटी का योगदान होगा पूरे साल भर? मैंने पहले ही कहा था कि प्रधानमंत्री जी के अध्यक्षता में ये कमेटी है, वर्ष भर के कार्यक्रमों की रचना होनी है, क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी गई थी कि 23 तारीख को हमें पराक्रम दिवस के रूप में अनाउंस पहले करना है, तो उसका पहला कार्यक्रम होगा। बाकी गतिविधियां जो मंत्रालय ने हमको पहुंचाई हैं, जिनको हमने मान लिया कि ये होना ही है, उन्हें निर्णय कर लिया, लेकिन बाकी जो जिन तारीखों का उल्लेख रूपा जी ने किया है उसमें मोरंग दिवस है, INA का स्थापना का दिवस है, आज़ाद हिंद सरकार का दिन है, त्रिपुरी कांग्रेस का जो अधिवेशन का दिन है, ये ऐसे दिवस है जिस दिन गतिविधियाँ बननी है उस पर कार्यक्रम के लिए एक बार जो उच्च अधिकार समिति है प्रधानमंत्री के, उसके बाद बाकी कार्यक्रम बढ़ेंगे, इसलिए मैं 23 तारीख तक ही सीमित रहा हूँ, उसके आगे के जो कार्यक्रम होंगे वो समिति ही तय करेगी। 262। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का ये मांग है कि 23 जनवरी को देश प्रेम दिवस घोषणा किया जाए और इस दिन को नेशनल हॉलीडे माना जाए, तो मिनिस्ट्री का क्या मानना है? नहीं, मुझे लगता है कि अभी तो निर्णय पराक्रम दिवस का हुआ है, वो आयोजन के रूप में मनाया जाएगा या छुट्टी होगी ये समिति के बैठक के बाद ही कोई फैसला होगा। प्रस्ताव बहुत सारे लोगों के आए हैं, पर नाम पर भी बहुत सारे लोगों के प्रस्ताव होंगे, लेकिन जो उच्च अधिकार समिति ने नाम तय किया है वो पराक्रम दिवस है, गतिविधियाँ अभी तक तय हैं, आगे जो समिति तय करेगी उसके बाद हम आपको बताएंगे। 175। सर, आई हैव मंत्री जी, मेरा भी सिमिलरी सवाल था कि देश प्रेम दिवस की मांग हो रही है, ममता दीदी ने भी यही बात बोली है, और जो फॉरवर्ड ब्लॉक जो सुभाष जी ने फॉर्म किया था उन वहाँ के भी लोगों ने ये डिमांड की है कि हम इसको हर साल देश प्रेम दिवस के तौर पे मनाते आ रहे हैं, तो क्या आगे चल के कोई फेरबदल नाम में किया जा सकता है सरकार की ओर से? सरकार का फैसला पराक्रम दिवस का है। 267। प्लीज
यूज माइक। सर, जिस तरह से अभी से शुरू हो गया पराक्रम को देश प्रेम किया जाए, बंगाल चुनाव भी है, क्या आपको लगता है कि जो 125वां जयंती होगा कहीं राजनीति की भेंट ना चढ़ जाए, क्योंकि उसी दिन जिस दिन प्रधानमंत्री जाने की बात है उस दिन ममता बनर्जी पदयात्रा निकालने वाली है, क्या ममता भी उस दिन शामिल होंगी प्रधानमंत्री के साथ, क्योंकि देश भर का ये सरकारी कार्यक्रम है? नहीं, मुझे लगता है कि जो परंपरा है हमारी, संस्कृति मंत्रालय ने विधिवत तौर पर मुख्यमंत्री जी को आमंत्रण दिया है, जहाँ भी प्रधानमंत्री जी का प्रवास होता है तो संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया जाता है, वो आमंत्रण को गया है, तो मुझे लगता है कि उसमें कोई अटकलबाजियों का कारण मुझे नहीं लगता। चुनाव अपनी जगह पर होंगे, लेकिन नेताजी की जयंती को मनाया जाना, मैं विवेकानंद जी की जयंती के दिन भी कलकत्ता में था, तो मैं मानता हूँ कि हम गरिमा और सम्मान के साथ नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाएंगे, और प्रधानमंत्री जी उस समय मौजूद है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। 52 सर, नेताजी का जन्म कटक उड़ीसा में हुआ है और आप जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे, तो इसमें क्या लॉजिक है कि सर कार्यक्रम कलकत्ता में आयोजित हो रहा है, क्यों नहीं उनके जन्म स्थान पर मेन कार्यक्रम आयोजित हो रहा? ऐसा तो नहीं कोई राजनीतिक फायदा उठाने के लिए सरकार इस तरह का कार्य कर रही है कि चुनाव आने वाले? कटक में बेहतर स्मारक बनाने की तैयारी है और उसके कार्यक्रम के बाद ही हम उसको और विस्तृत रूप देने वाले हैं। स्वाभाविक है कि उनका जन्म स्थान कटक है, इस बात को कोई इनकार नहीं करता, इसलिए मैंने उन तमाम स्थानों के नाम भी लिए हैं, चाहे मोरंग हो, चाहे वो जबलपुर का त्रिपुरी कांग्रेस हो या हरिपुरा हो, इन घटनाओं को इस दृष्टि से देखने की बजाय हाँ, कटक में एक भव्य स्मारक बनना चाहिए, जिस बात की तैयारी सरकार ने की है, जो मैंने अपनी बात में कही भी है। 37 सर, आप जो स्मारक की बात कर रहे हैं वो अभी इन्होंने प्रेजेंटेशन में बोला नीलगंज, और आप अभी कह रहे हैं कि कटक में उसकी तैयारी चल रही है? मतलब दोनों है। अच्छा, दोनों जगह दोनों। नीलगंज वो जगह है जहाँ सबसे बड़ा नरसंहार हुआ है, जहाँ आज फैक्ट्री है, वो सबसे बड़ा नरसंहार है जिसकी चर्चा नहीं होती है, उससे बड़ा नरसंहार कहते हैं कि उस पूरे दौर में कभी हुआ नहीं है, वहाँ उस स्मारक की बात है, लेकिन जन्म स्थान पर जो होना है उनके जन्म स्थान का स्मारक वो कटक में ही है। एक चीज और, जो 23 वाला प्रोग्राम है उसमें आप भी वहाँ रहेंगे, आपने अपना नाम लिया ही नहीं दरअसल, इसलिए पूछना पड़ा। मैं होस्ट हूँ तो स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं तो सबके लिए अगवानी के लिए मैं खड़ा हूँ, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, प्रधानमंत्री जी तो जा ही रहे हैं, तो हम तो चूंकि नोडल मिनिस्ट्री है इसलिए मैं वहाँ सबके स्वागत के लिए रहूँगा। 109 सर, सांसद अभिषेक बैनर्जी ने एक बात बोले थे, जैसे वल्लभ भाई पटेल जी का स्मारक बनाया है, ऐसा बंगाल में भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक स्मारक बनाने के लिए मांग किया था जी, बंगाल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक स्मारक बनाने का मांग किया था, एक स्टैचू जैसे वल्लभ भाई पटेल जी का बनाया है ऐसा ही। अभी तो वैसे हम एक 18 फुट की मूर्ति जो तुषार जी ने बनाई है उसको तो हम लगा ही रहे हैं, लेकिन वो लगेगा नेशनल लाइब्रेरी में, तो ये 23 तारीख को ही उसका लगने का तय है। लास्ट क्वेश्चन 31 मंत्री जी, इससे पहले भी लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज करते चली आ रही है 2014 से, और पराक्रम दिवस मनाने की बात आप इस साल कर रहे हैं जब इलेक्शन सर पे है बंगाल में, तो ऐसे में ऐसा तो नहीं है कि यहाँ देखे जा रहा कि इसमें कितना है दम दिखाने वाली बात हो रही है वहाँ पर, और खुद ममता बनर्जी भी अब इस तरीके का आयोजन कर रही हैं? जब शताब्दी वर्ष हुआ था तब हम सरकार में नहीं थे, मैं तो ही कहूँगा, और जहाँ तक 125वीं जयंती का वर्ष है, महर्षि अरविंद के भी 250 वर्ष हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू। देन वी विल टेक सम क्वेश्चंस। ए जेंटल रिमाइंडर टू ऑल ऑफ यू, kindly keep your mobiles on silent mode. Over to you, sir. पहली बार आज पीआईबी के इस स्थान से मैं दिल्ली के प्रेस से बात कर रहा हूँ, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती वर्ष पर भारत सरकार के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने
एक उच्च स्तरीय समिति के निर्णय के बाद 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है, जिसका नोटिफिकेशन आप सबके पास में पहुंच भी गया होगा। देश के भीतर और देश के बाहर भारत सरकार के कैलेंडर में अब 23 जनवरी पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाएगी। इस दृष्टि से 23 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री कलकत्ता में इस 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के आयोजन में शामिल होंगे। 23 तारीख को जो कार्यक्रमों की गतिविधियां हैं, जो वर्ष भर चलने वाली हैं, उसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बनी है। 85 सदस्यीय इस समिति में तमाम क्षेत्रों से लोगों को शामिल किया गया है, ताकि वर्ष भर ये प्रभावी कार्यक्रम चल सके। मंत्रालय इस बात को मानता है कि नेताजी की मेघा, उनकी जो योग्यता थी, उनने गुलाम भारत के समय भी ICS की परीक्षा पास करके साबित कर दिया था कि उनकी बुद्धिमत्ता किस श्रेष्ठता के ऊपर अपने आप को रखती थी, और बाद में उसको तिलांजलि देकर देश की आज़ादी के लिए जो उन्होंने काम किया, और लगातार हर क्षेत्रों में उन्होंने जो परिस्थितियों का सामना किया है, वो आने वाली पीढ़ी को इस बात का एहसास हो, इस बात का विश्वास जगे और विश्वास बढ़ाए, इस बात के लिए वर्ष भर जो गतिविधियाँ चलेंगी उसके लिए आगे एक योजना माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बनेगी। 23 तारीख को प्रमुख तौर पर 3 स्थानों पर कार्यक्रम है। एक कलकत्ता में है, जहां पर स्वयं प्रधानमंत्री जी एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे, जो कल से कलकत्ता के नेशनल लाइब्रेरी ग्राउंड में प्रारंभ हो गई है। 400 मीटर के कैनवास पर 200 कलाकार, जो पटुआ आर्टिस्ट हैं, बंगाल के युवा आर्टिस्ट हैं, उनने अपनी पेंटिंग शुरू कर दी है, जो 23 तारीख तक चलेगी। ये पूरी तरह से सुभाष जी की जीवनी पर आधारित होगी। दूसरा कार्यक्रम कटक में है, जन्मस्थान पर है, जहां स्वयं पेट्रोलियम मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तीसरा कार्यक्रम हरिपुरा में है, जहां पर मंत्रालय ने एक प्रदर्शनी लगाई है। पहली बार जब कांग्रेस के अध्यक्ष नामित हुए थे नेताजी, वो स्थान हरिपुरा था, इसलिए सांकेतिक रूप से उस स्थान को हमने चुना है। जबलपुर का त्रिपुरी अधिवेशन नेताजी के जीवन का मोड़ था, जहां पर उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में अपने निर्वाचन को से जीता, और बाद में त्यागपत्र देने के बाद उन्होंने अपनी दूसरा रास्ता तय किया। गोटेगांव के पास एक कस्बा है, जहां पर पिछले 37 साल से 20 जनवरी से 23 जनवरी के बीच राष्ट्रीय प्रतियोगिता खेल की होती रही है, क्योंकि नेताजी का प्रभाव महाकौशल के हर कस्बे और गांव में है, क्योंकि और स्नाते उस कार्यक्रम को पर्यटन मंत्रालय ने इस बार प्रायोजित किया है, उनका वो 38वां वर्ष है। ये गतिविधियां 23 तारीख की हैं। अन्य जो कार्यक्रम हैं वो अन्य मंत्रालयों के हैं, जिनने अभी प्रस्ताव भारत हमारे संस्कृति मंत्रालय को भेजे हैं, जिनका अंतिम फैसला उच्च स्तरीय समिति करेगी, लेकिन मोटे तौर पर मैं मानता हूं कि हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए। जैसे फुटबॉल टूर्नामेंट और मैराथन, ये खेल विभाग ने तय किया है कि वो वर्ष भर गतिविधियां नेताजी के नाम पर समर्पित करेंगे। पदयात्राएँ और साइकिल यात्राएँ, ये भी युवा कार्यक्रम विभाग ने तय की हैं कि वर्ष भर वो गतिविधियों को जारी रखेंगे। देखो अपना देश के तहत जो वेबिनार्स होंगे पर्यटन मंत्रालय के, वो पूरी तरह से नेताजी के लिए समर्पित होंगे। INA की धुन पर कदम बढ़ाए जा मीटिंग रिट्रीट में ये गीत शामिल होगा, रक्षा मंत्रालय ने ऐसा फैसला किया है। एयर इंडिया ने विमानों पर नेताजी के चित्र लगाने का फैसला किया है। नेताजी के नाम पर एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी रेल मंत्रालय ने तय की है। 5 भारतीय विश्वविद्यालयों में नेताजी से संबंधित 5 पीठों की स्थापना होगी, ये शिक्षा विभाग का फैसला है। नेताजी पर लघु फिल्म प्रतियोगिता भारत
के लिए नेताजी के सपनों को कैसे पूरा किया जाए, ये सूचना प्रसारण मंत्रालय ने पूरा एक एपिसोड बनाने का फैसला किया है। इस प्रकार से जो मुख्य कार्यक्रम है वो कार्यक्रम कलकत्ता में है, जहाँ पर विक्टोरिया हॉल में एक कार्यक्रम होगा जो स्थायी तौर पर प्रदर्शनी 2 वर्ष तक वहाँ पर चलेगी, उसका उद्घाटन भी माननीय प्रधानमंत्री कहेंगे। INA के जो प्रमुख जीवित योद्धा हैं उनका वहाँ सम्मान भी होगा, और बंगाल की धरती पर जो INA के द्वारा दिए गए 3 और ऐसे नाम हैं जो अब स्वर्गवासी हो गए लेकिन उनके परिजनों का सम्मान प्रतीक के रूप में किया जाएगा। मैं आपकी एक जानकारी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ कि 60,000 की INA का जो फोर्स था उसमें से 26,000 लोगों की शहादत हुई थी। देश की आज़ादी से लेकर अब तक हमारे शहीदों की संख्या, शहीद सैनिकों की संख्या भी 25,000 और 26,000 के बीच में है, लेकिन एक वो ऐसी फोर्स थी जिसके 60,000 में से 26,000 लोगों ने बलिदान दिया था। इसलिए INA के इन शहीदों के नाम पर भी एक स्मारक बनाने की सोच संस्कृति मंत्रालय की है, और हम लोग ये मानते हैं कि स्थान के चयन के बाद हम इस बात का फैसला करेंगे। मैं आप सबसे यही आग्रह करूंगा कि मुख्य तौर पर जो 3 बिंदु हैं कि अब 23 जनवरी देश के भीतर और बाहर भारत सरकार के कैलेंडर में पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाएगी, 23 तारीख को पराक्रम दिवस के पहले कार्यक्रम में स्वयं प्रधानमंत्री कलकत्ता में होंगे, पेट्रोलियम मंत्री कटक में होंगे और सांसद CR पाटिल हरिपुरा में होंगे। मंत्रालय अपनी गतिविधियों को इसमें शामिल कर रहा है, इस संबंध में एक छोटा सा प्रेजेंटेशन भी है। मैंने कोशिश की थी कि जो गतिविधि शुरू है उसका एक अंदाज़ा आपको पड़े, वो हमारे इस प्रदर्शन में होगा। मेरी बात मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ, यदि कोई चीज़ आपको पूछनी है तो जरूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद सर। अब मैं आमंत्रित करता हूँ मैडम निष्कुमा कोत्रु जी को प्रेजेंटेशन के लिए। फ्रेंड्स, आई जस्ट रिपीट, देयर इज लॉट ऑफ नॉइज एक्चुअली, प्लीज कीप योर मोबाइल इन द साइलेंट मोड। नमस्कार। नेक्स्ट, जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया, ये हमारी जो संस्कृति मंत्रालय है, कल्चर मिनिस्ट्री, ये कमेमोरेशन रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो है हमारे गवर्नमेंट की, उसके लिए नोडल मिनिस्ट्री है, तो इसलिए एक नेशनल इम्प्लीमेंटेशन कमिटी बनती है जिसमें माननीय गृह मंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं। इसकी पहली ही बैठक जो 25 नवंबर को हुई उसमें यह तय किया गया था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती जो है उसे धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद माननीय संस्कृति मंत्री जी ने एक 15 दिसंबर को बैठक बुलाई जिसको हम वाइड स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कह सकते हैं, जिसमें INA से जुड़े हुए वेटरन्स, एक्सपर्ट्स, हिस्टोरियंस, इस तरह के बहुत लोग आए और काफ़ी खुल के चर्चा हुई। उनसे हमने सुझाव मांगे और मंत्री जी ने उस पर विचार किया और काफ़ी कुछ उसमें से हमने कार्यक्रम चुन लिए हैं, और आगे भी हम, क्योंकि ये एक वर्ष की पूरी योजना चलेगी तो हम उसको, उन सुझावों को लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसा सर ने बताया, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक हाई लेवल कमेटी भी बनी है, उसकी भी गैजेट नोटिफिकेशन हो चुकी है। तो ये जो संस्कृति मंत्रालय का कार्यक्रम है पहला, जैसे हमारे मंत्री जी ने बताया, तो 23 जनवरी को कलकत्ता में उसका उद्घाटन समारोह है। पराक्रम दिवस की घोषणा तो आपने जैसे सुना वो हो चुकी है। इसमें नेताजी पर एक प्रदर्शनी लगेगी जिसमें 125 स्टोरीज हमने निकाली हैं, स्टोरीज इन द सेंस नेताजी से जुड़े हुए कुछ विचार वगैरह उस पर हम कर रहे हैं। एक प्रोजेक्शन मैपिंग शो बहुत ही भव्य, क्योंकि विक्टोरिया का फसाड बहुत ही ग्रैंड है, वहाँ पे पहली बार ऐसा शो नेताजी पे हम बना रहे हैं। इसी तरह 4 दिवसीय एक आर्टिस्ट कैंप हो रहा है नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता में, उसका वीडियो हम आपको कुछ देर में दिखाएंगे। एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है नेशनल लाइब्रेरी में, नेताजी के पत्रों पर एक पुस्तक का लोकार्पण भी माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। इसके अलावा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है जिसका नाम है आमरा नूतन जौबनेरी दूत, जो गुरुदेव टैगोर जी ने एक बात कही थी नेताजी के लिए, उसको थीम को लेके नेताजी के ही गीतों पे ये एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। उसके अलावा आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों का सम्मान किया जाएगा, वहाँ जितने जीवित सैनिक हैं उनके परिवार वाले वो वहाँ आ रहे हैं,
और स्मारक डाक टिकट भी जारी होगा और स्मारक सिक्का भी। ये इसकी कुछ झलकियां हम आपको दिखा रहे हैं ये कार्यक्रम की, जैसा ये जी ये तो कटक वगैरह का जो सर ने बताया था कार्यक्रम, कटक में भी हो रहा है और त्रिपुरी जबलपुर में भी एक प्रदर्शनी करने का विचार है और हरिपुरा में भी हमारी एक प्रदर्शनी हो रही है जो नंदलाल बोस जी के हरिपुरा पैनल्स हैं उनकी एग्जीबिशन लग रही है। तो ये कुछ झलकियां हैं जहाँ पे कार्यक्रम होगा कलकत्ता में, ये प्रदर्शनी की एक झलकी है। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है जिसमें पापोन उषा उत्थुप जी वगैरह इसमें आर्टिस्ट आएंगे। ये एक झलकी है उन बुक्स की जो नेताजी के पत्र हैं उनको हमने एडिट करके एक किताब बनाई है। ये जो कुछ जीवित आईने वेटरन्स हैं उनकी तस्वीरें हैं एंड वी आर फॉर्चुनेट कुछ उनमें से आ पा रहे हैं उनकी वृद्धावस्था के बावजूद दे हैव एग्रीड टू कम, तो हम उनका वहाँ पर सम्मान करेंगे। ये प्रोजेक्शन मैपिंग शो की एक झलकी है। ये समापन गीत होगा शुभ सुख चैन जो नेताजी और आईने से जुड़ा हुआ है उसी कार्यक्रम में। ये नेशनल लाइब्रेरी का एक हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी कर रहे हैं और कलाकारों के लिए 4 दिवसीय कैंप भी लग रहा है। इसके कुछ ये सत्र हैं उनका डिस्क्रिप्शन है, मैं उसमें आपका समय नहीं लेना चाहती हूँ। ये सारे उसमें वक्ता हैं, काफ़ी सारे जाने माने विशेषज्ञ हैं इसमें, एक्सपर्ट्स हैं। इसके अलावा जो अन्य गतिविधियां हैं संस्कृति मंत्रालय की उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगी। जैसा हमने कहा कि ये सुझाव सब हमने मंत्री जी ने स्टेक होल्डर्स से काफ़ी कंसल्टेशन करने के बाद ही ये सब हमने निकाले हैं। जैसे नेताजी एवं आज़ाद हिंद फौज से जुड़ी महत्वपूर्ण तारीखों पर और स्थानों पर समारोह का आयोजन किया जाएगा ऐसा हमारा विचार है और कार्यक्रम की तैयारियाँ हम कर रहे हैं। जैसे 14 अप्रैल मोइरंग दिवस के रूप से फेमस है, 21 अक्टूबर आज़ाद हिंद फौज स्थापना दिवस है, इसी तरह 30 दिसंबर नेताजी ने पोर्ट ब्लेयर में ध्वजारोहण किया था। तो ये सब मुख्य तारीखों पे कुछ कुछ कार्यक्रम ज़रूर किए जाएंगे। नीलगंज में एक स्मारक बनाने की योजना भी है जहाँ पे ब्रिटिश सेना के हाथों आज़ाद हिंद फौज के सेनानी शहीद हुए थे। और प्रोफेसर प्रतुल चंद्र गुप्त जो विश्व भारती विश्वविद्यालय के पूर्व उपकुलपति थे उनके द्वारा लिखित एक पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ INA, इसको डीक्लासिफिकेशन करके प्रकाशन करने का भी हमारे कार्यक्रम है। इसके अलावा अन्य गतिविधियों में कटक में एक स्मारक का निर्माण की योजना है, एक दिलीप कुमार राय जी की पुस्तक है द सुभाष आई नो उसका पुनः प्रकाशन का भी प्रोग्राम हमने बनाया है। युवाओं के बीच नेताजी के विचारों को प्रचार करने के लिए सोशल मीडिया अभियान किया जाएगा। INA के मुकदमों पर डॉक्यूमेंट्री बनाने का विचार है और कर्नल ढिल्लों और जनरल शाहनवाज खां की जीवनियों का प्रकाशन करने का भी विचार कर रहे हैं हम। अन्य मंत्रालयों द्वारा जो हमारे पास प्रस्ताव आए हैं उसकी एक झलकी मैं आपको दिखा